The all-new Vootkids app brings you over 200 plus tunes to watch. अब तो दिमाग ही काम नहीं करता कि क्या करें क्या ना करें। बॉस एक महीने से गायब है, हम तो बेसहारा हो गए हैं। लेकिन दिमाग तो हमारे पास है ही नहीं, फिर तांग क्या तलेदा। बच्चों क्यों दुखी हो, मुझको अपना दुख बताओ। मैं रंगीला बाबा हूँ, तुम्हारी जिंदगी रंगीन कर दूंगा। बाबा हमारा बॉस गधे के सींगों की तरह गायब हो गया है, अब हम भूखों मर रहे हैं। ये लो। कैसा था तुम्हारा बॉस, कैसा था? जरा उसका हुलिया तो बताओ, उसका कैरेक्टर बताओ। देखिए बाबा, न काम का था न काज का था, दुश्मन अनाज का था, डरपोक नंबर वन, बेवकूफ नंबर वन, उल्लू नंबर वन और डोंकी नंबर वन, मिली तो बताना। हाँ, अपने बॉस को उल्लू डोंकी डरपोक सब बना दिया, इतने साल तक खिलाया पिलाया सब बेकार गया। सॉरी, आपने ये क्या हुलिया बना रखा है बॉस? मैं एक महीने के लिए जापान गया था और वहाँ से ये लेके आया हूँ। ये कौन सी बला है बॉस? अरे बेवकूफी की चलती फिरती दुकानों, ये बला नहीं रोबोट है, इनविजिबल रोबोट। मैं इसे जापान से खरीद कर लाया हूँ। अब देखना जॉन के शैतानी दिमाग के तूफानी आइडिया का कमाल। जाओ और जाकर पूरे फुरफुरी नगर में ऐलान कर दो कि उड़ने वाले रंगीले बाबा आप सबका दुख दूर करने के लिए फुरफुरी नगर में प्रकट हो चुके हैं। बड़े भैया, ये रंगीले बाबा कौन सा नया तमाशा है? लोग कह रहे हैं कि वो हवा में उड़ सकता है। अरे भैया, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जिसे जो चाहिए वो उस रंगीला बाबा से मांग सकता है। हाँ। अरे ये सब झूठ है, कोई हवा में भला कैसे उड़ सकता है, वो कोई बाबा वाबा नहीं है। अच्छा, किसने कहा ये सब झूठ है? अरे किसने मेरी बुराई की? उड़ी बाबा, तुम ये सब जादू टोना करके हमको डराता है क्या? हम बोलता है ये सब झूठा है, तुम जरूर कोई साइंस का ट्रिक से उड़ रहा होगा। अरे तुम ठोंगी है, तमाशा करने वाला बाबा है, तुम जैसे के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बारे में हमको 20 साल का तजुर्बा है। अच्छा, तजुर्बे में थोड़ी सी ये चीज भी जोड़ दो। बड़े भैया ये क्या हो रहा है? बाबा ने मारा उधर, घसीटा राम को मार पड़ी इधर। अरे वो क्या जवाब देगा, जवाब मैं खुद ही देता हूँ। तुम भी तो मेरी बुराई कर रहे थे ना, थोड़ा प्रसाद तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। ये शक्ति को पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं तो यहाँ आपकी मुश्किलें दूर करने आया हूँ। बोलो किसकी क्या समस्या है? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ बाबा जी? हुआ नहीं, होने वाला है। फुरफुरी नगर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बादलों के राजा आपसे बहुत नाराज है, वो बोल रहे हैं कि बिजली गिरा गिरा के यहाँ सबको बर्बाद कर देंगे। उल्लू बना रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या? है।
नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ किया है। तो किसी ना किसी ने आपके ही बीच में से कुछ तो गड़बड़ किया है, इसलिए ये बादलों के देवता आपसे बहुत नाराज है। देखो फिर से उल्लू बना रहा है। किसी ने कुछ कहा क्या? हमने नहीं कहा। अरे देखो बाबा ने कहा था ना बादलों के राजा बिजलियां गिराएंगे, गिरा दी उन्होंने बिजली। अब ये चमत्कार तो कोई नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, साइंस भी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा जी ऐसे तो मेरी दुकान ही जल जाएगी। अरे कोई उपाय बताइए बाबा। उपाय तो है बच्चा, लेकिन थोड़ा महंगा है। आप बस उपाय बताइए। तो ठीक है बच्चा, सब लोग अपने अपने घरों का सारा सोना इकट्ठा करो और उसकी छतरी बनाओ, तभी आप सबकी रक्षा हो सकती है। उसकी छत्र छाया में आपको कुछ नहीं होगा, ना बादल तंग करेंगे और ना ही बिजली, वरना को दे दिया। अब वो वहीं से आप पर छत्र छाया करेंगे। तो लेकिन उनकी एक शर्त है, यहाँ कोई मोटू पतलू रहते हैं, उनकी हरकतों की वजह से वो बहुत ही नाराज है। उन्होंने कहा है कि जब तक फुरफुरी नगर वाले मोटू पतलू को मार मार के फुरफुरी नगर से बाहर नहीं खदेड़ देंगे, तब तक बादलों के राजा का गुस्सा शांत नहीं होगा। तो देखते क्या हो भाइयों, निकालो मोटू पतलू को इस नगर से बाहर। बड़े भैया बड़े भैया, यहाँ तक छुपते छुपाते कैसे आए हैं? ये तो हम ही जानते हैं, अब और क्या चाहते हो? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है यार। कैसे वो उड़ रहा है, कैसे बादलों पे पहुँच जाता है? हाँ पता नहीं क्या जादुई ट्रिक है यार। पर मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है, वो जरूर जॉनी है और उसके साथ इनविजिबल कुछ ना कुछ है। ओए अगर ऐसी बात है तो ये ले जाओ हीट सीकिंग गॉगल्स। हाँ इसे पहनोगे तो जो चीज इनविजिबल भी होगी वो भी दिख जाएगी यार। ये रोबोट में बैठ के आता है और उसे इनविजिबल कर रखा है। चल भैये पतलू उसे विजिबल करे। फिर आए बाबा, मैंने आपकी शक्ति को तो पहले ही मान लिया था, लेकिन इस पतलू को अब भी शक है। अच्छा पतलू को अब भी शक है? बाबा आप इसे सजा मत दीजिए, मैं इसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। अब मोटू पतलू की लड़ाई वाह क्या सीन होगा, जैसे तुम्हारी इच्छा बच्चों। बेचारे पतलू को मार रहे हो, सुन दो सुन दो, तुम दोनों की जोड़ी तो बड़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, उसे छोड़ दो।
नहीं बाबा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बिल्कुल नहीं। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। अब मुझे भी आप पर भरोसा हो गया। बस अब आप एक बार वापस अपने आसन पे हवा में बैठ कर दिखा दी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, वरना इन लोगों को आप पर शक हो जाएगा। चलिए अपने आसन पर बैठ जाइए। भाइयो, अब बाबा जी की शक्तियों का प्रदर्शन होगा। ये क्या है? यही है बाबा जी की शक्ति। बाबा जी इसी पे बैठ के आते थे। तुम बाबा का अपमान कर रहे हो मोटू, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, मैं कोई बाबा वाबा नहीं हूँ। मैं तो भोला भाला सीधा साधा नन्हा सा जान हूँ। मुझे माफ कर दो चिंगम सर, मुझे पकड़ के जेल में डाल दो, पकड़ लो। Watch more. Download the all-new Voot Kids app and start your 30-day free trial today.